अर्चना डेली हाउस वाइफ कुकिंग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तहे दिल से सबको स्वागत करते हैं। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं आलू का भुजिया, आलू हरा मिर्च का भुजिया, जो बहुत इजी तरीके से बना रहे हैं। तो उसको मोटा मोटा काट लिए हैं। हफ्ता में एक आदिन चत्ता सहित खाना चाहिए गाइस, चत्ता छील के हर समय नहीं खाना चाहिए। तो उसमें नमक हल्दी और तेल डाल के और इसको हल्का सा मतलब गैस पक्का माच करके एक सीटी लगवा लेंगे। इससे क्या होता है कि अच्छे से उबल जाएगा। अब ये तेल एकदम इजी जल्दी जो बनाना रहता है नाश्ता, तब इसमें तेल डालेंगे और हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं उबला है, कम ही उबालना रहता है। एक सीटी में हल्का सा उबलता है, पूरा नहीं उबलता है। तो और उसमें तेल जीरा फोरन दिए हैं और उसको भुजिया को निकाल के अब डालेंगे कढ़ाई में। तो बहुत जल्दी बनता है, इसलिए जल्दी बनाने तो सबको ही आता है, लेकिन जल्दी बनता है, बहुत इजी तरीका है बनाने का। अब उससे निकाल के कुकर से इसमें डाल दीजिए, भून दीजिए। तो तुरंत भुना जाता है, लाल हो जाता है, वो सीझा तो रहता ही है, लाल हो जाता है, अच्छा बन के तैयार होता है। तो इसीलिए मतलब बनाइए ज़रूर। और क्या बोले, हम जो भी खाना बनाते हैं एकदम इजी तरीका का बनाते हैं और कम तेल मसाला में बनाते हैं और जितना सुख सुविधा मेरे पास है। ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिए, इससे क्या होता है ना कि खर खर और लाल लाल बहुत अच्छा होता है। तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं, ये कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं। हम कढ़ाई धीका नहीं था तो डाल देते, कढ़ाई धीकने के बाद डालिएगा, बिना कढ़ाई धीके हम डाल देने से सटने लगता है। तो भुजिया तैयार हो गया है, तो कढ़ाई अच्छा से धीका नहीं था और डाल दिए थे, तो बढ़िया भुजिया तैयार होता है और जल्दी होता है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बस जल्दी बनाना, बनाने तो सबको आता है, नमक हल्दी डाल के बस ये जल्दी बने। मिर्ची हरा डाल दीजिए और अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। थैंक यू गाइस।